विधान परिषद के माननीय सदस्य शैलेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष राम प्रसाद मिश्रा जी, कोका कोला के वाइस प्रेसिडेंट पीआर सुश्री दिव्या राणा जी, लदानी ग्रुप के सी एस एन लदानी जी, जीसी लदानी जी, एमडी लदानी जी, राकेश लदानी जी, विवेक लदानी जी, प्रदेश के हमारे औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, लदानी ग्रुप से जुड़े हुए सभी अन्य सदस्यगण और उपस्थित भाइयों बहनों, अमेठी जनपद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में इस नए निवेश के लिए मैं स्थानीय सांसद और जनप्रतिनिधियों को के साथ ही आप सभी अमेठी वासियों को हृदय से अभिनंदन करते हुए लदानी ग्रुप को बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये बॉटलिंग प्लांट प्रदेश सरकार की इन्वेस्टमेंट की उस पॉलिसी का हिस्सा है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रत्येक निवेश, रोजगार और बेहतरीन औद्योगिक वातावरण देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किया गया है। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और सबसे बड़ी आबादी के इस राज्य में जो यहां की आवश्यकताएं थी 2017 के पहले, ये सब सपने हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश में निवेश होगा, ये लोगों के लिए कल्पना थी। लेकिन 2017 में डबल इंजन की सरकार आने के बाद आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर निवेश के सबसे अच्छे डेस्टिनेशन के रूप में अपनी एक पहचान बना रहा है। कितना परिवर्तन होता है, जब हम लोगों ने पहला इन्वेस्टर समिट आयोजित करने का निर्णय लिया था फरवरी 2018 में, उस समय हमारी जो टीम थी उसने प्रदेश के अंदर निवेश का कुल जो लक्ष्य रखा था वह मात्र 20,000 करोड़ रुपए का रखा था। तो मैं उन पे एक बार नाराज हुआ था, मैंने कहा भी इतने बड़ी आबादी का राज्य और केवल 20,000 करोड़ की आप निवेश की बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कौन यूपी में आएगा निवेश करने के लिए। मैंने कहा भी यूपी के बारे में क्या इतनी खराब धारणा है, और क्या एक वर्ष सरकार होने के बाद भी हम इस धारणा को बदल नहीं पा रहे हैं। तो कहा साहब बहुत है 20,000 करोड़। मैंने कहा भी नहीं, लोअर लिमिट इसकी 2,00,000 करोड़ का रखो। तो वे हंसने लग गए थे, वे हंसे थे कि 2,00,000 करोड़ का निवेश कौन करेगा, कहां से आएगा। और सचमुच जब हम लोग देश के अंदर अलग 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 स्थानों पर गए, लोगों से बातचीत शुरू हुई, तो हर एक जगह से यही बात कही जाती थी कि हम लोग तो बहुत निराश होकर के उत्तर प्रदेश से निकले हैं, हम दोबारा आना नहीं चाहते, लेकिन इधर हमने सुना है कि कुछ काफी सुधार हो रहा है और हम भी सुधार का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो मैंने कहा अगर आप भी बनना चाहते हैं देश के हर बड़े उद्यमी से, मैं कहता था, तो आप हमारे इन्वेस्टर समिट में आइए। उत्तर प्रदेश शासन ने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, भारत सरकार के मार्गदर्शन में जो रिफॉर्म किए हैं, जो नई पॉलिसी हमारी आई है, इस पॉलिसी के दायरे में रहकर के आप निवेश करिए, आपके निवेश और आपकी सुरक्षा की गारंटी हम देंगे।
और भाइयों बहनों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारा पहला इन्वेस्टर समिट जब 2018 में संपन्न हुआ था, हमें लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। लेकिन ठीक 5 वर्ष के बाद जब हम लोगों ने इस वर्ष फरवरी में फिर से अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया, तो इस बार हमें जो 20,000 की राशि की बात हमारे सहयोगी पहले कहते थे, जो हमें पहले इन्वेस्टर समिट में प्रस्ताव 4.5 लाख करोड़ के मिले थे, इस बार इनकी संख्या बढ़ करके उत्तर प्रदेश में लगभग अब तक 38 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं। इसके लिए हमें बहुत सारे परिवर्तन करने पड़े थे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में व्यापक सुधार लाना पड़ा था, रिफॉर्म करने पड़े थे, सेक्टोरियल पॉलिसीज बनानी पड़ी थी, प्रदेश के अंदर लैंड बैंक बनाना पड़ा था, कानून व्यवस्था और सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण देना पड़ा था। इसके लिए अनेक कदम उठाए गए और आज परिणाम है। उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी आपने देखा होगा कितनी तेजी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में, आज के दिन पर उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेस वे प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश को संबोधित किया। 6 वर्तमान एक्सप्रेस वे के साथ ही 7 नए एक्सप्रेस हाईवेज के साथ उत्तर प्रदेश वर्तमान में कार्य कर रहा है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उत्तर प्रदेश से होकर के जा रहा है, उसका जंक्शन भी उत्तर प्रदेश में जेवर के पास है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में मात्र 2 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, आज के दिन पर उत्तर प्रदेश में 9 एयरपोर्ट हमारे क्रियाशील हैं। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हम लोग जेवर में बना रहे हैं, जो फरवरी 2024 में पहला रनवे उसका कार्य करना प्रारंभ कर देगा। कानून व्यवस्था बेहतर होती है तो परिणाम कैसे सामने आते हैं, ये प्रदेश के अंदर पर्यटन की बढ़ती हुई इन नई संभावनाओं को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। 2017 में जिस प्रदेश में मात्र 3 करोड़ घरेलू और विदेशी पर्यटक आते थे, आज उसी प्रदेश में संख्या 32 करोड़ पार कर चुकी है और लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है। और मैं आज इसी बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं, यहां पे SLMG बेवरेजेस ने जो या बॉटलिंग प्लांट की स्थापना करके यहां पर अमेठी को जो एक नया उपहार दिया है निवेश का, दशकों से यहां पे औद्योगिक परिक्षेत्र चिन्हित हुआ था लेकिन पहले की सरकारों के सामने विकास का कोई भी एजेंडा नहीं था। उन्होंने विकास को बहुत संकुचित दायरे में रहकर के सीमित कर दिया था, वे जातिवाद के नाम पर परिवारवाद को बढ़ावा देते थे, उन्होंने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके रख दिया था, समाज में वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया था। तो जो व्यक्ति परिवारवाद में और सामाजिक वैमनस्यता में ही जिसका ज्यादा समय खर्च हो रहा होगा, उस व्यक्ति के पास कहां से फुर्सत होगी कि वह विकास के बारे में सोचेगा, निवेश के बारे में सोचेगा, बेहतर कानून व्यवस्था के बारे में सोचेगा। और उत्तर प्रदेश दुर्भाग्य से इन्हीं लोगों की कुदृष्टि का शिकार बना था, लेकिन आज इससे उभर करके नए नए निवेश उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। डेवलपमेंट का ऐसा कोई कार्य नहीं जो आज उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार न कर रही हो, और आज उसी का परिणाम है कि इस नए बॉटलिंग प्लांट ने निवेश की एक को एक नई गति दी है। और जहां पर यह एक नया बॉटलिंग प्लांट न केवल निवेश के लिए बल्कि स्थानीय स्तर पर नौजवानों के लिए रोजगार के भी एक बेहतरीन गंतव्य के लिए ये जाना जाएगा, बल्कि
इसके माध्यम से स्थानीय स्तर पर, मुझे अभी लदानी जी बता रहे थे कि स्थानीय आईटीआई, पॉलिटेक्निक या स्थानीय संस्थानों में जो छात्र अध्ययन कर रहे हैं, उन्हीं छात्रों को यहां हम ट्रेनिंग के साथ जोड़ करके एक इंस्टीट्यूट को यहां पे डेवलप करेंगे। और मैं उनसे कहना चाहूंगा कि एक अवसर है जब हम पीएम इंटर्नशिप स्कीम और सीएम इंटर्नशिप स्कीम का लाभ ले सकते हैं। कोई भी उद्योग जो इस प्रकार के नौजवानों को अपने साथ जोड़ेगा, आधा मानदेय उद्योग को देना पड़ेगा और आधा मानदेय एक वर्ष की ट्रेनिंग के लिए स्वयं सरकार उन्हें उपलब्ध करवाएगी। और इस स्कीम का लाभ अगर कोई भी उद्यम लेता है तो हमारे यूथ के पास अनुभव होगा, उसको कहीं भी प्लेसमेंट की एक नई सुविधा प्राप्त होगी, लेकिन साथ साथ उद्यम को भी अपनी रुचि और अपनी पसंद के योग्य मैन पावर की उपलब्धता उनके सामने यहां पर स्थानीय स्तर पर ही उन्हें उपलब्ध होती हुई दिखाई देगी। बहुत शीघ्र हम लोग लगभग 2000 करोड़ रुपए के नए निवेश के प्रस्ताव आपके इस अमेठी में और लेकर के आने वाले हैं। यूपी सीडा के द्वारा जो यहां पर इस औद्योगिक परिक्षेत्र में भूमि आरक्षित की गई है, उस आरक्षित भूमि में नए प्रस्ताव भी हमें प्राप्त हुए हैं और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के इन प्रस्तावों को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से हम लोग तेजी के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो यहां की लोकप्रिय सांसद और माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने जो बात कही है, पूर्वांचल एक्सप्रेस हो या बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे हो या फिर अन्य किसी भी एक्सप्रेस हाईवे पर, हम लोगों ने औद्योगिक निवेश के नए क्लस्टर विकसित करने के एक नए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कानपुर से लेकर के झांसी के बीच 38,000 एकड़ भूमि पर एक नए औद्योगिक शहर के निर्माण की कार्रवाई को भी बसाने की कार्रवाई हमने प्रारंभ की है। आप आश्चर्य करेंगे कि नोएडा को बसाने में और नोएडा को स्थापित करने में 46 वर्ष लगे। कुल 35,000 एकड़ भूमि हम लोगों ने यहां पर अब तक अर्जित की है, जिसमें टाउनशिप भी है और निवेश भी है। निवेश के लिए वहां पर औद्योगिक निवेश के लिए भी भूमि वहां पर आरक्षित की गई। लेकिन बुंदेलखंड, झांसी बुंदेलखंड औद्योगिक क्षेत्र में पहले ही फेज में हम लोग 38,000 एकड़ भूमि को लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। वहां एक नया एयरपोर्ट भी बनाएंगे, वहां पर हमारी बेहतरीन कनेक्टिविटी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की भी है, कानपुर झांसी हाईवे की भी है और भी अन्य अच्छे बेहतरीन वहां पे कनेक्टिविटी की हम लोगों ने व्यवस्था दी है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसका लाभ उत्तर प्रदेश में निवेश करने वाले सभी हमारे निवेशक गण लेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश का पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में दिया है, यह क्रियाशील हो चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार वर्तमान में इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी के गठन की कार्रवाई राज्य स्तर पर भी कर रही है। उत्तर प्रदेश में जल मार्गों के विकास के लिए हमारी सदा नीरा नदियां पर्याप्त जल राशि इनमें साल भर रहता है, इनमें इन मार्ग जल मार्ग को भी हम इनके माध्यम से यहां से एक्सपोर्ट के एक नए हब के रूप में स्थापित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य कर पाएंगे। इस विश्वास के साथ जितना भी लैंड बैंक हमें उपलब्ध होगा, जहां हम इसका उपयोग निवेश और रोजगार के लिए करेंगे, वहीं साथ ही साथ प्रदेश के अंदर निवेश करने वाले हर निवेशक को मैं इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश का सबसे बड़ा निवेश मित्र प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश सरकार उपलब्ध करवा रही है। 430 से अधिक एनओसीज केवल एक जगह आवेदन करने से उन्हें प्राप्त हो जाएंगे। प्रदेश सरकार के साथ निवेश के किसी भी क्षेत्र में निवेश करने वाले किसी भी निवेशक को एमओयू के साथ ही निवेश सारथी पोर्टल के माध्यम से उसकी निश्चित मॉनिटरिंग होगी और निवेश करने के उपरांत भी ऑनलाइन इंसेंटिव के साथ
उन्हें जोड़ने की पूरी प्रतिबद्धता के साथ राज्य सरकार कार्य कर रही है। इसलिए मैं हर निवेशक को इस बात के लिए आश्वस्त करूंगा कि प्रदेश में निवेश की गारंटी आपकी होगी, लेकिन पूंजी की सुरक्षा और आपकी सुरक्षा की गारंटी सरकार की होगी। इस विश्वास के साथ धनी परिवार को मैं इस निवेश के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। स्थानीय नागरिकों को जो इस प्रकार के निवेश का स्वागत करते हैं, उसे प्रोत्साहित करते हैं, उनका अभिनंदन करता हूं। और माननीय जनप्रतिनिधियों का जो सकारात्मक सहयोग इन कार्यों के लिए मिलता है, उनको भी हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। एक बार फिर से इस बेहतरीन निवेश के लिए लदानी परिवार को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद।